वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रवि ब्लॉग्स टेक चैनल को और दबाइए बेल आइकन। तो गाइज मेरा नाम रवि शंकर है और स्वागत है आपका मेरे चैनल रवि ब्लॉग्स टेक में। तो दोस्तों बहुत ही दिनों से Xiaomi ने कोई भी एक बहुत ही अच्छा ईयरबड्स लॉन्च नहीं किया था, तो अब फाइनली Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है। इनफैक्ट मैं बोलूं कि लॉन्च होने वाला है Xiaomi का नया ईयरबड्स जो कि होने वाला है दोस्तों Xiaomi Flipbuds Pro, और ये एक बहुत ही हाई एंड ईयरफोन्स है या फिर ईयरबड्स आप जो भी कहना चाहे कह सकते हो, बस वायर्ड नहीं है ये, वायरलेस है। तो उसी के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। और पहले ही मैं बता दूं ये बहुत ही ज़्यादा हाई एंड होने वाला है, मतलब आप लोगों को ऑल प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं जैसे कि क्वालकॉम के चिप्स और फिर 40 dB का वॉल्यूम वगैरह। तो उसके बारे में आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, तो वीडियो के ऊपर एंड तक देखते रहना। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि किस प्राइस में होने वाला है लॉन्च, ये इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है ऑफ कोर्स। तो वीडियो के ऊपर एंड तक देखते रहना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा कर तोड़ डालो, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट टेक के अपडेट्स इन डिटेल डेली लाता रहता हूँ जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। और दोस्तों हम लोग बहुत ही ज़्यादा करीब है 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, जैसे कि आप लोग स्क्रोल डाउन करके देख सकते हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसी ईयरबड्स के टेक्निकल स्पेक्स के बारे में जो कि हम लोगों को बताता है कि दोस्तों इसमें बहुत ही प्रीमियम फीचर मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो भी स्पेक्स बताने वाला हूं, जो टेक्निकल स्पेक्स है ये अब तक कंपनी की तरफ से मोस्ट प्रीमियम स्पेक्स है। अभी तक ऐसा कोई भी स्पेक्स वाला ईयरबड्स नहीं लॉन्च किया है Xiaomi। तो बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहली तरफ। तो सबसे पहली जो बात है वो है इसमें दोस्तों आप लोगों को 11mm का मिल जाता है ड्राइवर, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ऑडियो को डिलीवर करने में मदद करता है। और बात करें चिप की तो दोस्तों इसमें आप लोगों को क्वालकॉम का 5151 चिप देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा चिप है क्वालकॉम के तरफ से स्पेशली ईयरबड्स वगैरह के लिए, साउंड डिवाइसेस के लिए ये बना है ये चिप, और ये बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट काम करने वाला है इसी ईयरबड्स के साथ। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसी के और भी फीचर को दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया 40 dB का डीप नॉइस रिडक्शन इफेक्ट देखने को मिल जाता है। ये बेसिकली वॉल्यूम नहीं है, ये डीप नॉइस रिडक्शन मिल जाता है, एक्टिव नॉइस रिडक्शन इसमें आप लोगों को मिल जाता है अप टू 40 dB का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और कंपनी तो ऐसा क्लेम करती है कि 99% ऑफ बैकग्राउंड नॉइस है उसको ब्लॉक कर देगी यही जो भी कह सकते हो आप बर्ड्स वॉक या फिर ईयरफोन्स। और ये सब के अलावा और भी बहुत सारे फीचर मिलते हैं दोस्तों इसमें से, एक और जो है वो है दोस्तों इसमें आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है, जिसकी मदद से दोस्तों आप बाहर के मतलब म्यूजिक तो म्यूजिक या फिर जो भी बज रहा है वो ईयरफोन में वो तो आप सुन ही रहे होंगे, और साथ ही में आसपास का अगर चाहते हो कि आप लोगों को आवाज़ आते रहे, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर जा रहे हो, आप लोगों को आप चाहते हो कि ट्रैफिक के जो भी साउंड्स है या फिर कोई भी व्हीकल्स के हॉर्न वगैरह है वो सब आप सुनना चाहते हो, तो आप ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन कर सकते हो, तो आप लोगों को वो सब कुछ सुनाई पड़ेगा, तो वो भी आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाता है। और ये डिवाइस दोस्तों क्वालकॉम का APTX अडैप्टिव डायनामिक कोडेक प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, जिसकी मदद से दोस्तों जो ब्लूटूथ इसका जो डिवाइस है वो उसका स्ट्रेंथ जो वो सिग्नल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाता है, जिसकी मदद से आप लोगों का जो कनेक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और कभी भी कनेक्शन डाउन नहीं होगा, मतलब डिसकनेक्ट नहीं होगा। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होते रहता है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि दोस्तों ईयरबड्स बहुत ही जल्दी डिसकनेक्ट हो जाते हैं बहुत ही ईजिली, आप अगर आपके पास भी है फिर भी ये डिसकनेक्ट हो जाते हैं, पर इसमें आप लोगों को वैसा कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाला है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। फाइनली बात करते हैं दोस्तों बैटरी के बारे में, जो कि लोग बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं इस बैटरी के बारे में। तो दोस्तों मैं बता दूं बैटरी आप लोगों को कंपनी बताई है कि दोस्तों इसमें अगर आप 2 hours का प्लेबैक मिल जाएगा अगर आप इसे सिर्फ 5 minutes चार्ज करते हो, तो जी हाँ दोस्तों 5 minutes चार्ज करो और 2 hours तक म्यूजिक सुनो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा सा बैटरी लाइफ देखने को मिल जाता है। और बस इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप इसे 28 hours तक मतलब कि इसको इस मतलब 100% आप चार्ज करोगे तो दोस्तों आप लोगों को 28 आवर्स का मैक्सिमम प्लेबैक देखने को मिल जाता है, और ये केस के साथ यूज़ करके मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों इसमें आप लोगों को वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल ही जाता है। अब फाइनली बात करते हैं ये कब लॉन्च होने वाला है और कहाँ लॉन्च होने वाला है, क्या प्राइस में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों मैं बता दूँ ये
अभी चाइना में लॉन्च होने वाला है, मतलब लॉन्च ऑलरेडी हो गया है पर सेल में अभी तक नहीं आया वहाँ पे, तो वो नेक्स्ट वीक से मेरा मतलब है दोस्तों May 21st से वहाँ पे सेल में जाने वाला है चाइना में। तो इंडिया में तो अभी आने में टाइम है थोड़ा, और कब एग्जैक्टली आएगा इंडिया में उसके बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं है, पर हाँ उसका प्राइस के बारे में डिटेल्स है कि दोस्तों इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 9,100 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा ये बाकी सब हेडफोन्स या मतलब कि वायरलेस ईयरफोन TWS के साथ अगर कंपेयर करोगे तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि बाकी सब अंडर 5K 6K 7K के अंदर में तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा अच्छा TWS मिल जाते हैं, जैसे कि दोस्तों रियलमी के या फिर रेडमी के ही मिल जाते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे नॉइस के और बोट के। पर दोस्तों ये थोड़ा सा प्रीमियम लेवल का है, जैसे कि आप लोगों को स्पेक्स में मैंने बता दिया कि इसमें बहुत ही फॉर एग्जांपल 11mm का ड्राइवर मिल रहा है, तो बहुत ही प्रीमियम लेवल का ये ईयरबड्स है। अब देखते हैं ये लॉन्च होता है तो कैसा रिव्यूज़ वगैरह रहता है लोगों का कैसा रिएक्शन रहता है, और लॉन्च होगा तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो बनाना है कि नहीं। तो भाई दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और कमेंट बताना अपने ओपिनियन इस वीडियो के बारे में, मेरे बारे में, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर एक क्वेश्चन की रिप्लाई जरूर करता हूं। और शेयर करो इस वीडियो को सभी के साथ, और चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट टेक के अपडेट्स इन डिटेल डेली लाता रहता हूं, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। और दोस्तों हम लोग बहुत ही ज्यादा करीब है 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, जैसे कि आप लोग स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।